देते हैं जवाब। जियो मेरे काका। और आदरणीय सम्मानी हमारे रमेश सिंह काका देव, आपकी ओर से 101 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि वंदन है, नमन है। गीत आया कौन सा संजय भैया सुनिएगा। अरे प्रेम की गली में आपने तो बहुत इस गीत को सुना है, पुनः आप सुन लीजिए। कभी हमारे गुरु श्री राकेश कुमार पांडे बप्पू वारा जी गाया करते थे, क्योंकि आलस में जिए अमृत भी पिए वो खून का पीना होता है। प्यार है ऐसे जीवन को जहाँ मार्ग जीना होता है। श्रद्धा से जहाँ सर झुक जाए, चाहे इस दरबार में या रोड के किनारे, श्रद्धा से जहाँ सर झुक जाए वही काशी और मदीना होता है। और मेहनत का पसीना गिरता है तो रिंकी जी कंकड़ भी नगीना होता है। क्या बात है भैया। और प्रेम की गली में एक सुंदर सा घर बनाएंगे, कलिया ना मिले ना सही, कलिया ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे सजाएंगे। लेकिन हे महारानी, मैं तो हीरे जवाहरात से सजाता, मैं तो 2000 को नेटों से सजाता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। दिलीप भैया पास हमारे पैसा होता, पास हमारे पैसा होता, जैसा चाहे थे वैसा हो। तालियों से सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सभी का हृदय से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। ये लो काका से मिलो, और ये 101 रुपए हरि सिंह जसोमऊ, और उसके पहले भी 501 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद है, जो इस कार्यक्रम के संयोजक है आदरणीय सम्मानीय पूजनीय हमारे दादा हरि सिंह। आपकी ओर से ये 501 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद पहले ही आ चुका था, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक सूचना और है। क्या बात है काका। हरि सिंह जसोमऊ, आपकी ओर से 101 रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक सूचना और है, 21 रुपए का इनाम रखा गया इस कार्यक्रम में, जो पार्टी विजयी होगी उसके खाते में सीधे गूगल पे से, हमारे राज भैया जो मुंबई से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, देखिए सौभाग्य की बात है, बेचारे वहाँ हैं, लेकिन उनके भाव देखिए, कीर्तन वो चाहते नौटंकी करवा सकते थे, चाहते तो 2-4 डांसर बुला करके नचवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूँ आदरणीय राज सिंह भैया को, नमन करता हूँ आपके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सुंदर आपको संस्कार दिए और आपने अपने घर में एक स्थापना दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जवाबी कीर्तन कार्यक्रम किया है। आदरणीय राज भैया, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हो, जय हो। मैं पुनः पुनः अपने गीत को 4 टुकड़ों में बांट रहा हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सावर सावित्री के पति को यमराज लेकर, पति के प्राणों को यमराज लेकर के जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे जा रही हैं, मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा इनकी आयु पूर्ण हो गई, वापस जाओ। सावित्री ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, इनके बिना कैसे रह सकती हूँ। यमराज ने कहा 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कहा यो मत, यमराज ने कहा फिर से मांगो। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यमराज ने कहा एव मस्तु। यमराज ने कहा और मांगो। सावित्री ने कहा मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा एव मस्तु।
धन्यवाद। जैसे ये बात कही तो सावित्री ने कहा, अरे आप मेरे पति के प्राणों को ले जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं पुत्रवती हो जाओ, लेकिन मैंने सुना है क्या सुनेगा? अरे साजन सजनी की सृष्टि का साजन सजनी की सृष्टि का सत्ताधारी साजन है, साजन की सजनी संपत्ति जिसका अधिकारी साजन है। और साजन की सजनी मनहरनी, अरे साजन की सजनी मनहरनी तो मनिहारी साजन है, साजन पे सजनी और सजनी पे बलिहारी साजन है। पुत्री ने कहा, अरे साजन बिना यदि लाल होगा, लोग कहते हैं कान से पैदा हो गया, जंगे से पैदा हो गया, मैं उनसे सवाल कर देता हूँ, क्या तब से आज तक कान से पैदा हो रहे हैं? क्या तब से आज तक जंगे से पैदा हो रहे हैं? लोग कहते हैं मूसल से हो गया, तो क्या तब से आज तक मूसल से हो रहे हैं? नहीं ना। अरे साजन बिना यदि लाल होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा। अरे साजन होगा तो लालन होगा, अरे साजन होगा तो लालन होगा तो पालन होगा, लेकिन अरे साजन बिना यदि लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन देव। आदरणीय सम्मानित दादा श्री रमेश सिंह, आपकी ओर से पुनः पुनः 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। काका आज खुश हैं। माता अंजना को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू पुत्रवती हो जा। माता अंजना ने कहा, अरे क्वारी की काया अति पावन देवी स्वरूपा क्वारी है, अरे मैं आपने मुझे वरदान मुझे श्राप दे दिया, मैं पुत्रवती हो जाऊं, अंधी हो जाऊं, अंधी हो जाऊंगी काम चल जाएगा, पुत्रवती हो जाऊं। माता अंजना कह रही है, अरे क्वारी की काया अति पावन देवी स्वरूपा क्वारी है, क्वारी पे क्यों कहर किया, क्योंकि साथी स्वरूपा क्वारी है, भारत की नारियों का श्रृंगार है सिंदूर, आदि सुधा सुहागन की पहचान है सिंदूर, अबलाओं की बस एक यादगार है सिंदूर, और हर एक क्वारी के दिल का अरमान है सिंदूर। सुनी का ध्यान से, क्या बात है भैया। अरे क्वारी का कोमल अहम है सत्य स्वरूपा क्वारी है, क्वारी की मर्यादा जग में, क्वारी की मर्यादा जग में शक्ति स्वरूपा क्वारी है, हे ऋषिवर। अरे क्वारी में पैदा यदि जो लाल होगा, सवारी ये समाज क्या कहेगा, क्वारे में पुत्र पैदा हो जाएगा, तो क्वारे में पैदा यदि जो लाल होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा। जल्दी में चलिए, कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया,
पाप नहीं सह पाई, गर्भवती हो गई। सूर्यदेव से कहा, अरे अरे अब मैंने आपका आह्वान किया और आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। कुंती कह रही सूर्यदेव से, अरे भूल की ये भूल भुलैया कैसे भूल जाऊंगी, जो गई थी पथो भूल जो गई थी पथो अब ना भूल पाऊंगी। अरे भूल जाए आप लेकिन मैं ना भूल पाऊंगी, अरे भूल से जो फूल खिला ये कर्ण, भूल से जो फूल खिला वो फूल भूल जाऊंगी। लेकिन कुंती ने कहा, यदि भूल से जो लाल होगा, यदि भूल से जो लाल होगा तो सृष्टि का कैसे लाल। कलयुग में मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाई स्कूल की पुस्तक उठाई, उसमें लिखा था 1308 ईस्वी काशी जन्म लिया था और विधवा से था जन्म जुलाए नीरू ने पाल लिया था। कबीर दास का जन्म एक विधवा माँ से हुआ तो उनकी माँ ने भगवान से कह दिया क्या, ये लो। ये पुनः पुनः आदरणीय सम्मानी हमारे दादा श्री दिलीप शर्मा जी खीरो से जो बता रहे हैं आपकी ओर से 51 भाई इन पंक्तियों पर आए हैं, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ दादा, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो अवल्यो भैया, काका देव काका आए हैं। अच्छा, दसवां मऊ मालती सिंह आदनिया हमारी माता जी की ओर से ये 101 रुपए हैं, कोट कोट नमन है, बंदन है, आपको नमन करता हूँ। क्या बात है काका। उनकी माँ ने कहा, हे प्रभु, अरे विधवा से विपरीत विधाता, विपरीत विधाता ऐसी सूरत विधवा है, विधवा का है तिरस्कार और अशुभ मुहूर्त विधवा है। बहुत अच्छे, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हो गया बस 2 मिनट और दे दीजिए। सुनेगा अंतिम मंगिया है, अरे विधवा जाने जग में जिसकी नहीं जरूरत विधवा है, विधवा पतिता पति विमुखा पत्थर की मूरत विधवा है। लेकिन हे प्रभु, विधवा से उत्पन्न जो लाल होगा, विधवा से उत्पन्न जो लाल होगा सृष्टि का कैसे संचाल। और इस बाजा बजाते हो, कोई जोड़ नहीं बेटा। बहुत सुंदर अभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर सी बातें हैं आप लोगों ने कीर्तन मंच के द्वारा सुनी है। परवाना जी संस्कारें भी बहुत हैं, संस्कार तो इतने भरे हैं कि मुझको लग रहा है टेंट से छू रहे हैं इनके संस्कार ही, और बोलने में पीछे नहीं है। कितना पढ़ी हो तुम्हारी जैसी न जाने कितनी रिंग की तिवारी बना दी। धन्य है आप, धन्य है आपके मंडल वाले, शुरुआत आपने की। नीचे से कह रहे हैं हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, खुद कह रहे हैं उनके मंडल से तीन तीन लेखक लिख रहे हैं। परवाना जी मैंने ये बात नहीं कही थी, पहले आप
मेरी तरफ उंगली एक उठा रहे हैं, इशारे और उंगलियां आपकी तरफ भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, शुरुआत आपने की है और क्या, अगर चिकोटी काटोगे तो फिर मुंह नोचा जाए। शुरुआत करेंगे तो फिर सुनने की भी क्षमता रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, शाबाश। नीचे वालों को समझाएं, क्या जरूरत थी बिल्ली कुत्ते की बात करने की, क्या जरूरत थी दायित्वों के विषय में बात करने की। आप स्वयं पहले अपने मंडल को देखें, हमारे मंडल की जो बीमारी है उसको रहने दें। हम आपके पास नहीं आते कि आप किसको खत्म कर दें। दृष्टि दोष आपके यहाँ था, नीचे से कह रहे हैं ये बिल्ली है फलाना ढिमाका। चलिए चलिए बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा है, ईश्वर करे दिन दुगने ऐसे ही आप नाम रोशन करें, ऐसे ही बहुत सारी रिंकी तिवारी आप पैदा करें, लेकिन आप हम तक मत पहुंचे। आप हमारे गुरु के विषय में जानते नहीं है, तुम्हारे जैसे 365 परवाना जी बना के छोड़ दिए, किस चक्कर में घूम रहे हैं आप परवाना जी। रिंकी तिवारी के मुंह मत लगी है आप, छिद्दू डॉक्टर भी उनके चेले हैं। जैसे कलाकार वैसे डॉक्टर। चलिए अच्छा है, आप महान, आपका मंडल महान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बूंद बूंद के हिसाब से बेटा टपक रहा है सब। बातें तो बहुत की हैं आपने, संस्कार हमारे ऐसे नहीं है। जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ तक ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप कहाँ तक जा रहे हैं ये आप सोचें। एक दो रिंकी तिवारी हमें भी YouTube में दिखा दीजिए। कीर्तन नगर में तो हमें रिंकी तिवारी दिख रहे हैं और कहीं नहीं। घर में भले तैयार कर दी हो, परिवार में भले तैयार कर दी हो, बहनों के नाम हो गए हो, लेकिन कीर्तन जगत में एक ही रिंकी तिवारी अभी है। अगर प्रमाण है चाहिए तो KS स्टूडियो आपके सामने है, सर्च मारे। क्यों संजय भैया, क्या दूसरी रिंकी तिवारी है? परवाना जी तो हवा में उड़ाते हैं। हो सकता है इनकी कोई बहन नहीं तैयार हो गई हो, वो अलग की बात है। क्योंकि जो अपनी पत्नी को नहीं रख पा रहा है घर में, तो वो दूसरे को क्या रखेगा। पूरा मंडल ग्रसित है इस बीमारी से। राइटर को तो बहुत ठंडी लग रही है। क्या कहें, बढ़िया है, कह रहे हैं ये होता है गाना बजाना। चलिए धन्यवाद है, आप हमारे यहाँ भले ना आए सीखने, लेकिन मैं आपके घर में जरूर आऊंगी सीखने, क्योंकि मुझको आगे बढ़ना है। कुछ मिलेगा बेटा, कुछ मिलेगा भैया, मुझको आगे बढ़ना है। और जिसको आगे बढ़ना होता है उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा है, आप 365 रिंकी तिवारी बनाए, लेकिन हमको हमें को रहने दीजिए। आप ऐसी रिंकी तिवारी बनाकर दिखा दे तब जाने। जैसी ये है वही जाना माना नाम जांची पर की क्वालिटी। भैया हमारे खानपुर से आए काका देव। काका हमका खाली रुपया दे, तुम बाकी सब उधर दे। हमारे दादा की ओर से ये 501 रुपए आए हैं। मंच से झूठ बुलवाते हो, गंदी बात है ये। हम नहीं जाने काका देव। बहुत सुंदर सी तरजाई है, समय मैं बचा रही हूँ। अनर्गल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बढ़िया बात है, कहने दे बेटा उनको। क्योंकि हर बात राज नहीं होती, हर चिड़िया भी बाज नहीं होती। अरे ऊपर वाले के कहर से थोड़ा सा तो डरो, क्योंकि परवाना जी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कीर्तन के मंच से आप किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान जाने आगे कीर्तन क्या करेगा। कह रहे थे आप जैसी कीर्तनकारक कीर्तन को खराब कर रही हैं। ये तो आप जानते हैं, आपका मंडल जानता है, कीर्तन को हम खराब कर रहे हैं कि बना रहे हैं। प्रोग्रेस ठीक है, राम ही राखे तरजाई है, बहुत सुंदर सी प्रयास कर रही है। चाहे तू बता।
दीवाना दीवाना भूल लेगा तेरा नाम पूछ लेगा भूल लेगा पूछ लेगा तेरा नाम ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। मुन्नू भैया क्या खाते हो तुम लोग? कुछ तो खाते हैं। हम लोग केवल चाय पीते हैं। बहुत बढ़िया सी बात आपने बताई है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। भगवान राम पशु पक्षियों से तालाबों से खुश रहे हैं। क्या आपने मेरी सीते को देखा है? तो घरवाला पूछता है घरवाली का पता। बढ़िया बात बढ़िया। आइए बस इसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल भगवान राम ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाए हैं। ढूंढा किसने? बजरंगबली ने। भैया अब देखिए यही समय जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। आप बड़े कलाकार हैं क्योंकि आप जब रिंकी तिवारी 365 पैदा कर सकते हैं तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। शाबाश। आइए केवल प्रयास है कि शायद रवाना जी आपको जवाब अच्छा लगे। सुनिए। अरे ना जिनका था पता यहाँ पर बाहर वाला न पति न देवर। बाहर वाला बाहर वाला दे रहा है घरवाली का पता। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे लाओ रमेश भैया दद्दा बैठ जाइए। रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बिंग होती है क्योंकि वो आज नहीं ये लाइफ टाइम के लिए मोबाइल में पड़ेगा। जैसा आप यहाँ पर करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। इसलिए निवेदन है इधर बैठ जाएं। भैया बाहर वाला दे रहा है घर वाली का पता। दे रहा है दे रहा है दे रहा है बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला दे रहा घर वाली का। ये होती है मेहनत। क्या बात है मनु भैया। गीत बहुत सुंदर आया है। चार युगों में आपने गीत को दिया है और क्या। आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ शायद कहीं से जवाब आ जाए। सुनिएगा गीत आया कैसे। अरे प्रेम की गली में हो Ha 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 ha
बात है, बहुत सुंदर फंसाई है। प्रेम की गली में एक सुंदर सा घर बनाई है, कलिया ना मिले ना सही, कलिया ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिल झिल बरसता सावन सुंदर सी बात आप लाए हैं। साजन बिना यदि लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, कुआरी में पैदा यदि लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, यदि भूल से लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, कुआरी से पैदा यदि लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा, विधवा से पैदा अगर लालन होगा तो सृष्टि का कैसे संचालन होगा। बहुत सुंदर सी बात आई है। आइए मैं भी जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। भैया श्री अजय सिंह चंदेल भैया कुर्मिया मऊ आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। देखिए आपने कहा साजन बिना यदि लालन होगा, जवाब सुनिएगा। सुनिए भैया जी, मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ क्योंकि आपका बहुत पुराना ये गीत है, बड़ा चर्चित रहा है ये गीत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जवाब दे रही हूँ, हाँ केवल प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे गीतों का जवाब नहीं होता ना। जो सत्य है सो सत्य है, साजन बिना कभी लालन हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, और जो हो सकता है उसको दुनिया क्या कहती है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। हुआ है कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा। राजा युवनाश ने अभिमंत्रित जल पी लिया भैया, और जब जल पी लिया नारियां गर्भवती होती हैं, इधर राजा गर्भवता हो गए। क्या बात है बेटा, कहाँ से खोज के लाई हो? बस यहीं से है, रायबरेली से ही है भैया। अब समस्या है, जब पुरुष ने वो जल पी लिया, अब देखिए युवराज जी ने पिया, पुत्र का जन्म भी हुआ, नाम है मानधाता। समझ गया बेटा, छड्डू डॉक्टर काम में आ गए। अब देखिए भैया, यहाँ पर पुरुष ने जन्म दिया है, नारी का सहयोग नहीं है। कैसी पहली बात दे रही है सुनिए। अरे नारी नर का पावन जोड़ा, सुनेगा। वैसे सब लोग जानते हैं नारी है तो नर है, नर है तो नारी है। आपने कहा चुटकी भर सिंदूर पड़ जाने से वो नारी बन जाती है, सही है, सही है। प्रभाना जी, अगर ये नारी ना हो, अगर आपकी माँ ने आपको जन्म ना दिया होता तो आपका जन्म ना होता। अगर नारी है तो नर है, नर है तो नारी है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये मत कहिए कि नारी बेकार है पुरुष के बगैर, ना। सुनिएगा कैसे। नारी नर का पावन जोड़ा और सुखद कामिनी नारी है। अगर को
कोई पुरुष ऐसा हुआ हो जो अपनी पत्नी के प्राणों को यमराज से लाया हो, परवाना जी बताइएगा। नारियों में इतनी कुपत है कि अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लाई है। अगर कोई ऐसी मैंने नारी बताई है तो आप पुरुष बताइएगा। आप कह रहे थे नारी क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा कैसे सुने। अरे नारी नर का पावन जोड़ा और सुखद कामिनी नारी है, और नारी बिना क्या जीवन नर का। भैया जी, नारी बिना क्या जीवन नर का, और बनी संगिनी नारी है। दीदी जी ध्यान दीजिएगा कैसे, बहुत से ऐसे लड़के पड़े हैं, जीवन बीता जा रहा, उम्र बीती जा रही, संगनी नहीं है। बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं, भगवान भौरी डरवा दो, पसीना बहुत आ रहा है आज। अब ये बात तो सहयोगी मंडल के सहयोगियों से ही पूछिए आप, बेचारे गिरजा भी ऐसे ही है। नहीं नहीं, अब देखिए जब ऐसा देखा भैया जी तो मुझको कहना पड़ा। अरे नारी बिना जब पैदा अरे लालन होगा। मैंने बताया है राजा युवराज के द्वारा मानधाता का जन्म हुआ है, तो नारी बिना जब पैदा अरे लालन होगा। सृष्टि का ऐसे संचालन दूसरी बात देखिएगा भैया जी, बाल रूप भगवान है होता। सुनिएगा भैया जी, बाल रूप भगवान है होता तो कुल का दीपक बाल मिला। और ये आदरणीय श्रीमानी हमारे दादा श्री दिलीप कुमार शर्मा जी, आदरणीय हमारे दादाजी की ओर से 51 रुपए हमारे लिए और 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे सहयोगियों को मिला है। नीचे बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादाजी से, मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप खेमों से चलकर यहाँ पर आए हैं, मैं मंच के द्वारा आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी कैसे, सुनिएगा रूप भगवान है होता तो कुल का दीपक बाल मिला, तो शिव के बाल से हुई बालिका। भगवान भोलेनाथ के शिव के बाल से हुई बालिका, और आधे से बाल मिला। नाम वीरभद्र समझो और भद्रकाली, कैसे सुनेगा। बाले से पैदा जब ये लालन होगा तो सृष्टि का ऐसे संचालन। आप हैं मालती सिंह जी, आपकी ओर से ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी ने मंत्र से उत्पत्ति की, कैसे सुनेगा। शक्ति स्वरूप है देवी मंत्र से, शक्ति स्वरूप है देवी मंत्र में, देखो इतनी शक्ति
रही प्यास जी में वो शक्ति क्या कर शक्ति है। तो मंत्र से पैदा जहां लालन होगा तो सृष्टि कैसे संचार कलयुग में बहुत अच्छी बात ला रही हूँ भैया जी सुनेगा। अरे परिवर्तन हो रहा आज तो इस समय की बात देखिए दादा रमेश भैया रमेश दादा सुनेगा सुनिए। परिवर्तन हो रहा आज तो विज्ञान हमारा आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए। चमत्कार है जहां वो देखो हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद आपके तालियों के लिए आपके सहयोग के लिए। तो देखिए विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है क्या नहीं हो सकता इसलिए परख नली से पैदा जो लालन हो हाँ सब लोग जानते हैं बताने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए कहना है पर के नली से पैदा जो लालन होगा सृष्टि का ऐसे संचार। बोलिए सच्चे दरबार की जय।